उनकी इस जातीय गणना में कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार का निर्णय नहीं था। उसी सरकार ने बिहार में जातीय गणना कराने का निर्णय लिया था और आज उसके आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी उन आंकड़ों का अध्ययन कर रही है और अध्ययन करने के बाद ही कोई उनकी टिप्पणी करेंगे, परंतु राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस बिहार सरकार की तरफ से जैसे ही जाति आधारित गणना का रिपोर्ट सार्वजनिक किया, वैसे ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, जहां पर महागठबंधन ये दावा कर रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करके रहते हैं। और नीतीश कुमार ने कहा था कि जाति आधारित गणना हम करवा के रहेंगे बिहार में, और महागठबंधन की सरकार ने ये करके दिखाया है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में ये महागठबंधन की सरकार ने जाति आधारित गणना करवा लिया, तो वहीं पर बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि जिस वक्त बिहार में ये निर्णय लिया गया था कि बिहार में जाति आधारित गणना होगी, उस वक्त महागठबंधन नहीं बल्कि एनडीए की सरकार थी। और आज जब रिपोर्ट सामने आया है तो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस इसका क्रेडिट ले रही है, जबकि कांग्रेस और आरजेडी को इससे कोई भी लेना देना नहीं है, बल्कि बीजेपी की अध्यक्षता में बीजेपी और जेडीयू की उस वक्त बिहार में सरकार थी और उसी वक्त बिहार में ये निर्णय लिया गया था कि हम बिहार में जाति आधारित गणना करवाएंगे। आज सुशील मोदी का ये बयान सामने आया। सुशील मोदी ये कहते नजर आए कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी का जाति आधारित गणना से कोई भी लेना देना नहीं है, कांग्रेस पार्टी का भी कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जिस वक्त जाति आधारित गणना का निर्णय लिया गया था उस वक्त बिहार में एनडीए की सरकार थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, साथ ही साथ बीजेपी, बिहार बीजेपी के तमाम नेताओं ने यह निर्णय लिया था कि बिहार में जाति आधारित गणना करवाएंगे। और आज जब जाति आधारित गणना का रिपोर्ट सामने आया है तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, साथ ही साथ पूरी आरजेडी और कांग्रेस इसका क्रेडिट ले रही है, बल्कि क्रेडिट बीजेपी को जाता है, बीजेपी ने ही यह निर्णय लिया था। और आज जब रिपोर्ट सामने आया, साथ ही साथ सुशील मोदी ये भी कहते नजर आए कि हमने अब तक रिपोर्ट नहीं देखा है, जब हम रिपोर्ट देखेंगे और इस बात का पता करेंगे कि कितनी किसकी कितनी भागीदारी है, कितना प्रतिशत किस जाति के कितने प्रतिशत है, ये बात सामने आएगी, उसके बाद ही इस पर भारतीय जनता दल अपनी प्रतिक्रिया देगी। आप सुनिए कि सुशील कुमार मोदी ने क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी बिहार की जिस सरकार में शामिल थी, उसी सरकार ने बिहार में जातीय गणना कराने का निर्णय लिया था और आज उसके आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी उन आंकड़ों का अध्ययन कर रही है और अध्ययन करने के बाद ही कोई उनकी टिप्पणी करेंगे, परंतु राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस उनकी इस जातीय गणना में कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार का निर्णय नहीं था, ये हमारी सरकार का निर्णय था। तो जो भी आंकड़े आज रिलीज हुए हैं उन सारे आंकड़ों का पार्टी अध्ययन कर रही है और अध्ययन करने के बाद हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। नमस्कार मैं आपकी शिल्पा शिंदे कैसन बा ठीक बा। जी हाँ, मैं 26 नवंबर जी हाँ मैं 26 नवंबर को पूर्णिया पैनोरामा स्टार सीजन पैनोरामा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आई पकड़े हैं ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा,
बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।